जय सियाराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा सरगम में। आज की वीडियो में हम इस भजन को सीखने वाले हैं, सी शार्प पहली काली से, ठीक है। और इसको हम नोटेशन के साथ सीखेंगे, जो बिगनर हैं वो भी आसानी से इस भजन को बजा लें। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर कौन कितने बटन पर कितनी बार प्रेस करना है, कितनी बार बजाना है, तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स आता है जो बिगनर होते हैं उनका, क्योंकि उनको बजाना नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हमने एक कॉपी पेन ले लिया है, यदि आप भी चाहें तो एक कॉपी पेन ले लीजिए और साथ के साथ हम इसको नोटेशन के साथ सीखेंगे। हम इसको सीखने वाले हैं सी शार्प पहली काली। ठीक है, ये हमारा सा, तो इसमें जो स्वर यूज होंगे सा, गा कोमल, मा, पा, धा, नी कोमल, तार सप्तक का सा और रे तक ये जाएगा। ये हमारे स्वर इसमें यूज होंगे, ठीक है। पहली लाइन है श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये हमारी पहली लाइन है, इस लाइन को सीखते हैं कैसे बजेगी, फिर इसकी नोटेशन लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे बजेगी। अब इसको देखते हैं नोटेशन कैसे लगेगी। श्री, श्री कैसे बजेगा, श्री के लिए हम श्री सा और कोमल गा को बजाएंगे, एक बार सा एक बार कोमल गा, तो ये हमारा बजेगा श्री, श्री श्री। तो यहां पर हम लिख देंगे इसके नीचे सा और कोमल गा, तो ये बना हमारा श्री, ठीक है। श्री राम, राम राम, तो मां और धा, राम मां और धा, ये हमारा बना राम। राम फिर है जानकी, जानकी जानकी, तो ये हुआ मां सा सा और नी कोमल, तो ये लिख देंगे हम धा सा सा नी कोमल, तो ये हमारा बना जानकी, ठीक है जानकी। तो आप भी ऐसे ही, जो दूसरे लोग भी सिखाते हैं, कोई भी हारमोनियम सिखा रहा है, तो आप आसानी से आप अपनी नोटेशन लिख सकते हैं इसे। फिर है बैठे हैं, बैठे हैं, तो नी पा मा और कोमल गा, कोमल नी पा मा गा, ये बजा बैठे बैठे हैं हैं कोमल गा पे, हैं मेरे मेरे गा मा और धा मेरे, तो ये हम लिख देंगे कोमल गा मा और धा, मेरे मेरे मेरे
ये हुआ धा मा मा गा। मे के लिए मे गा मा गा सा मे लिख देंगे हम गा कोमल मा गा कोमल और सा। ठीक है पूरी लाइन हमारी प्ले होगी। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, यही लाइन फिर से बजेगी जिसमें श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो यहाँ पर समाप्त हो गई, थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी सी अलग है ये। तो श्री हमारा सेम टू सेम बजा, श्री श्री राम माँ उधा राम जानकी था सा सानी बैठे हैं नी कोमल पा मा और कोमल गा हैं भी सेम मेरे मेरे ये भी सेम सीने में मेरे सीने में जो है ना वो अलग है सी धा पा पामा सीने सीने में के लिए माँ। ठीक है मेरे मेरे सीने में। ठीक है फिर अगली लाइन आती है देख लो मेरे दिल के नगीने में। नगी ने में ये लाइन सीखते हैं। इस लाइन की शुरुआत होती है धा से। देख लो मेरे दिल के नगीने में, ये कुछ ऐसी बजेगी। तो आइए इसकी नोटेशन देखते हैं। देख लो तो धा नी सा, ये लिखा धा कोमल नी और साफ साफ पे हमारा रहा लो। देख लो फिर है मेरे मेरे देख लो मेरे मेरे भी सासा दिल दिल भी साफे और जो के है वो के बजेगा के सा और धा पे आ जाए के लिए सा और धा। देख लो मेरे दिल के ठीक है नगीने में नगीने नगीने तो धा नी रे सा नगीने नगीने धा नी सा रे और नी नगीने। ठीक है मे के लिए मे धा पा मा और कोमल गा पे आ जाएंगे मे लिखा हमें मे के लिए इसके लिए है ये धा पा मा और गा मे मे। ठीक है देख लो मेरे दिल के नगीने में और फिर वापस ये श्री राम
ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। और आखिर में जो हमने किया है श्री राम, तो इसके लिए श्री राम या फिर मेरे राम, मेरे राम, मेरे, तो ये रहेगा सागा मेरे राम, माधा पामा मेरे राम। आशा है आपको इतना आपको समझ में आया होगा। पहली लाइन हमने बजाई श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, दूसरी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, फिर तीसरी लाइन देख लो मेरे दिल के नदी बैठे हैं मेरे सीने में मेरे राम, ठीक है। बात करें अंतरे की, दो लाइन हमको अंतरे की सीखनी है और फिर हमारा भजन जो कंप्लीट हो जाता है। अंतरे की पहली लाइन है मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, बस इतना और सीखना है। मुझको कीर्ति न वैभव ना यस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है सा से ही, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, ठीक है। मुझको, तो ये रहेगा सा सा, मुझको कीर्ति की कीर्ति कीर्ति सा गा गा, कीर्ति सा गा गा कोमल गा, मुझको कीर्ति ना 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 भी हमारा कोमल गा, ना वैभव वैभव मुझको कीर्ति ना वैभव ना वैभव गा मामा वैभव, वैभव फिर ना 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 रहेगा धापे ना यस यस धा और पा यस धा पा यस चाहिए चाहिए मा मा मा, पूरी लाइन प्ले होगी मुझको कीर्ति न वैभव न यस चाहिए, ठीक है। मुझको कीर्ति न वैभव न यस चाहिए
नेक्स्ट लाइन है, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। ये लाइन, राम के नाम का मुझको यस रस चाहिए, सेम टू सेम प्ले भी, राम राम तो सासा के सागा, के नाम का, नाम का नाम के लिए गा गा कोमल, और का के लिए गामा, राम के नाम का मुझको 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 माँ धा और धा मुझको रस रस चाहिए चाहिए माँ माँ और माँ राम के नाम का मुझको रस चाहिए। फिर है सुख मिले, सुख मिले इसकी शुरुआत होती है धा से, सुख मिले सुख मिले, तो धा पे सुख और मिले के लिए नी और सा, सुख मिले ए नी सा नी धा ए, तो इसके लिए निशा निधा ये हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर, सुख मिले और फिर सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, तो इसके लिए सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। ये लाइन हमारी, देख लो मेरे दिल की नगीने में, सेम टू सेम प्ले होगी, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सेम टू सेम ये नोटेशन लिख देंगे, धानी सुख मिले धानी सा ऐसे ऐसे सासा अमृत को, अमृत को, तो ये भी सा सा और सा और धा पड़ेगा को पीने में, पीने धा नी रे सा नी पीने, तो धा नी कोमल सारे नी पीने। अभी मैं जैसे हमने ये लिखा था वैसे ही धा पा मा गा कोमल का प्यार मैं, और फिर वापिस श्री राम जानकी बैठे शुरुआत में जो स्थाई में सीखा है सेम टू सेम प्ले होगा। इसमें जो एक चढ़ाव रहता है श्री राम जानकी, जो हमने ये सीखा था धासा नी नी किया था, इसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, जानकी
तो ये जो जानकी है वह इसको जानकी धासा रेसा नी रेशन ये कर सकते हैं। पहली बार में हमने सीखा था जानकी धासा सानी, ठीक है ये सीखा था जानकी, और आप करेंगे जानकी धासा रेसानी रेसानी जानकी, फिर वापस बैठे हैं मेरे सीने में। तो दोस्तों आशा है आप इस भजन को बजा लेंगे इस नोटेशन को देख करके, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय सियाराम।